नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, ऑल माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलू ठाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तड़का विद स्टाइल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है हर मन पसंद क्रिस्पी हलवाई स्टाइल समोसा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते और मेरी रिक्वेस्ट है खुल भी जाए तो प्लीज़ 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 आप बाहर का कुछ मत बना के खाइए। तो चलिए आज हम क्विकली सीखेंगे क्रिस्पी समोसा घर पर बिल्कुल बाजार जैसा कैसे बनाया जाए। तो चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। बताइए मम्मी। सबसे पहले मैदा ले लीजिए। ये हमने लिए है 250 ग्राम मैदा। उसमें 1 टीस्पून डालिए नमक। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हमेशा क्रश करके ही डालिए, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, एक्टिवेट हो जाती है। फ्रेंड्स, क्रश करके ही डालिए। इसको मिलाने के बाद इसमें डालिए ऑयल। ये हमने ऑयल कितना लिया आपने, जिसे मोयन कहते हैं? ये अंदाजे से लेते हैं, वैसे 25 मिलीमीटर है ये। तो देखिए हमें ऑयल इसी का फर्क आता है, 25 मिलीग्राम है और ये मुट्ठी बंद मोयन होना चाहिए इसमें। देखिए, तो अब आप ऑयल का ये है फ्रेंड्स कि अगर हमने 250 ग्राम मैदा लिया है तो 25 ml से ज़्यादा हमें ऑयल नहीं लेना है, नहीं तो डो सही नहीं बनेगा। तो आपको बिल्कुल मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं और गारंटी है आपका समोसा बढ़िया मिलेगा। ये हमने मुट्ठी बंद मोयन बनाया है, तो फटाफट इसका डो लगाते हैं हम। तो हमने ये पानी लिया है और इसका डो कैसा लगता है? थोड़ा टाइट लगाइए आप इसको ताकि क्रिस्पी बने। इसका टाइट लगाना है, तो फटाफट बनाते हैं। ये देखिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये टाइट होना चाहिए। इसका हल्का सा तेल लगा करके 10 मिनट रेस्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, तो जब तक हम मसाले बनाएंगे सिर्फ उतनी देर के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेकिंग ऑफ मसाला फॉर द समोसास। और ये जो मसाला है वो हम वही बताएंगे जैसे कि हलवाई अपनी शॉप्स पे बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है बॉइल्ड पोटैटोस, आप देख सकते हैं, कोरिएंडर, और ये है हमारा अदरक, हरी मिर्च, ये है हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया है, यानी काला नमक और सिंपल नमक, और ये है अमचूर और गरम मसाला, ये है हल्दी और मिर्ची, और ये है जीरा एंड साबुत धनिया। जी हाँ फ्रेंड्स, साबुत धनिया का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो हमने लिया है ना, ये मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर थोड़ा ज़्यादा, बाकी ये सब हमें 1 टेबल स्पून हमने लिए हैं, मतलब आपके बराबर मात्रा होनी चाहिए हल्दी मिर्ची इन सब की, नहीं तो ये हलवाई जैसा मसाला नहीं बनेगा। तो चले क्विकली हम देखते हैं कि ये हमने गरम करा है, इसमें ऑयल कितना डाला है आपने मसाले में? 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा ऑयल हमको नहीं डालना है गाइस। इसमें हम क्विकली हमने डाला है जीरा। देखिए अच्छे से फ्राई होंगे जब ही इसकी फ्लेवर आती है, हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। इसमें अदरक और हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च, हल्दी, देन ब्लैक सॉल्ट एंड सिंपल सॉल्ट, सादा नमक, काला नमक, अमचूर और गरम मसाला। तो पहले आप मसाला डालिए, थोड़ा सा फ्राई कीजिए, फिर पोटैटोज डालिए। अगर आप पोटैटोज के ऊपर आलू के ऊपर अगर आप सारे मसाले डालेंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, वो घर वाला ही टेस्ट आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें इसमें बहुत ज़्यादा इसको आलू को नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसे कढ़ाई में, क्योंकि ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसको खड़ा खड़ा रखना है। और आलू मैश तो करने ही अच्छे से, जब हमने ग्रीन धनिया डालते हैं इस मसाले में रंगत आ जाती है। तो लीजिए, मिनटों में हमारा मसाला है तैयार। अब इस मसाले को हम थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, इतना ही, क्योंकि हम गरम गरम मसाला डाल नहीं सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला ठंडा हुआ, जब तक देखिए हमने आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने डो के ये ऐसे डम्पलिंग्स बना लिए, छोटे छोटे गोले बना लिए, और फिर हम इसे
फ्लेम पर कम से कम देखिए इसमें टाइम लगता है समोसे को सिकने में, यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमने इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें तेल में फ्राई किया है। आप भी ऐसे ही करिएगा और बहुत ही केयरफुली इनको अच्छे से तेल निकाल के निकाल लीजिएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे लाजवाब हलवाई जैसे समोसे, क्रिस्पी एंड बिल्कुल माउथ वाटरिंग। तो चलिए जल्दी से हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसको हमने सॉस और चटनी के साथ, इसमें ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है, ये देखिए। तो चलिए, अगर आपको ये, मुझे कमेंट्स करिए, पिक्चर्स अपलोड करिए, ये देखिए कैसे लग रहे हैं सब एक ही साइज़ के सुंदर समोसे। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।